Hello friends, welcome back to my channel that is technical knowledge beta. This is swap nail. This is the last video mein bataya tha. I think maine jo live kind of video kiya tha usme bataya tha ki main Alteryx ki process bataunga. Alteryx agar aapko pata nahi hai to Alteryx ek bahut mehenga costly software hai which is kind of a ATL tool, extract transform load, aur usme data cleansing, data engineering ke liye use hota hai aur data analytics ke liye aap bol sakte ho use hota hai aur bahut effective aur bahut powerful tool hai. सो बट उसमें क्या होता है कि आप 15 पहले तो 15 डेज़ का ट्रायल मिलता था, अभी तो 13 डेज़ का ट्रायल मिलता है. बट अगर ट्रायल पीरियड एक्सपायर्ड होता है तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हो. अगर आप सोच रहे हो कि एक्सपायर्ड हो गया तो मैं उसको अनइंस्टॉल करूँगा, फिर से इंस्टॉल करूँगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, मीन्स और 30 डेज़ के लिए ट्रायल के लिए एक्टिवेट हो जाएगा. बट वो वैसे होता नहीं, वो सीन नहीं है उसमें, बिकॉज वो थोड़ा सॉफ्टवेयर जो है वो एक बार मशीन आईडी रीड कर लिया तो अगर फिर से आप इंस्टॉल करेंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होता 30 डेज़ का ट्रायल. तो स्टूडेंट लाइसेंस अगर आप उस पर एक्टिव करते हो, जैसे टैबलू का है 1 ईयर का स्टूडेंट लाइसेंस, तो वैसे भी आप Alteryx का स्टूडेंट लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हो फॉर 1 ईयर फॉर स्टडी पर्पज. सो उसे कैसे एक्टिवेट करना और उसकी पूरी जो प्रोसेस है वो मैं आज आपको बताऊंगा. बहुत ईजी है. पहले तो मुझे मैंने 3-4 बार ट्राई किया था बट मेरा एक्टिवेट नहीं हो रहा था, बहुत इश्यूज आ रहे थे. जैसे टैबलू जितना इजीली एक्टिवेट होता है वो उतना एक्टिवेट नहीं होता इजीली. तो आज मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि इसे आप एक्टिवेट कर सकते हो और 1 साल के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट लाइसेंस के लिए. सो या स्टे ट्यून, लेट्स बिगिन विथ वीडियो. या तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लो. जैसे मैंने यहाँ पे क्रोम कर लिया है और यहाँ पे Alteryx फॉर स्टूडेंट ऐसे टाइप कर दो. ओके, Alteryx फॉर स्टूडेंट ऐड करने के बाद यहाँ पे देखो ये स्पार्क ईडी फॉर स्टूडेंट, जो ये स्पार्क ईडी है ना, ये जो आई थिंक आई डोंट नो, ये एक अलग कंपनी जो मीन्स Alteryx को वेरिफिकेशन के लिए हेल्प करता है एक्टिवेशंस के लिए स्टूडेंट के लिए. तो उस पर क्लिक करना है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं. तो आपको इतना सर्च करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे अपन आपका जो है ये पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखो गेट फ्री एजुकेशनल लाइसेंस ये बटन है, यहाँ पे क्लिक कर दो. यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखो करियर चेंज, हायर एड एजुकेटर्स और हायर एड स्टूडेंट्स, तो अपने को ये ऑप्शन पे क्लिक करना है. सो क्लिक ऑन दिस, अप्लाई हियर. ओके, तो ये एक बेसिक सा फॉर्म टाइप ओपन हो जाएगा. ओके ठीक है. अब जैसे कंसिडर कर लो कि मैं खुद के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है. तो कैसे अप्लाई करना, बिकॉज मैंने YouTube के वीडियोस देखे बहुत सारे अबाउट दिस, तो उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे हम एक्टिवेट करें एग्जैक्टली, वो बताओ हमें, प्रोसेस बताओ. बट वो एग्जैक्ट प्रॉपर प्रोसेस ही नहीं है YouTube पे मैंने देखा, तो सोचा मैं ये वीडियो बनाऊँ. तो जस्ट चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं. यहाँ पे कंट्री आपको सिलेक्ट करना है. देखो वेरीफाई स्टूडेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट अबाउट योर सेल्फ बिलो, ये थोड़ी अपनी बेसिक डिटेल पूछेंगे. यहाँ पे आपकी कंट्री ऐड करना है, तो कंट्री अपनी है इंडिया, थोड़ा ऊपर हो जा, इंडिया 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 इंडिया, ठीक है. एंटर योर नेम स्वप्निल, ठीक है. लीगल लास्ट नेम कुविटे, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देना प्रॉपरली. जैसे मेरा है April 7, 1996, ठीक है, ये डाल दिया. यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस, तो जब मैं स्टार्टिंग में 2-3 बार जैसे मैंने बताया था इनिशियली कि मैं फेल हो रहा था, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है, आपका पर्सनल ऐड कर सकते हो आप. जैसे मैं अपना डाल दूँ स्वप्निल कुइटे 7@gmail.com. पर्सनल ईमेल ऑप्शनल है तो आपको ऐड करना है तो कर लो, नहीं तो मत कर लो, या सेम वही कॉपी कर लो. तो मुझे मैंने ऐड कर रहा हूँ बिकॉज वो ऑप्शनल है. नेम ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो ये प्रॉपरली यहाँ पे दिखना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है. जैसे मेरी तो यूनिवर्सिटी अमरावती आती है, बट मेरे पास जो सैलरी स्लिप है वो संत गाड़ के बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी का है, सॉरी शेगांव यूनिवर्सिटी का, ठीक है. शेगांव ऐसे नहीं आएगा, संत गाड़गे महाराज कॉलेज बुल्ढाना सॉरी गाड़गे बाबा नहीं, अपने सर गजानन महाराज है. ओके, संत
गजानन महाराज, ओके संत गजानन महाराज, पॉलिटेक्निक चंद्रपुर, कोल्हापुर, वर्धा, ये देखो बुल्ढाना, संत गजानन महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज बुल्ढाना। तो एक बात यहाँ पे जस्ट ऐड रखना कि आपके सैलरी स्लिप और सॉरी सैलरी नहीं है, आप जो जो स्लिप अप्लाई करोगे, आपका जो आईडी वगैरह रहेगा, तो वो आईडी पे जो जो कॉलेज का यूनिवर्सिटी का जो नेम रहेगा ना, वही दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर यहाँ पे आप एक ऐड कर रहे हो और आईडी आप दूसरे यूनिवर्सिटी का, और अगर कुछ मिसमैच हो रहा है तो आपका वो अप्रूव नहीं होगा प्रॉपरली। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बुल्ढाना का है, ठीक है। मेरे पास जो थी स्लिप मेरे दोस्त ने दी थी, मैं भी 2018 का पास आउट हूँ, और यहाँ पे अभी पॉलिसी ये है कि 3 मंथ्स ओल्ड, उससे ओल्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कैसे तो जुगाड़ करके मेरे दोस्त से वो लिया था। अब एंटिसिपेटेड ग्रेजुएशन डेट क्या होता है, जैसे कि मेरे जैसे अनपढ़ों को ये समझ में नहीं आता एंटिसिपेट क्या होता है। तो एंटिसिपेट मीन्स आप होता है कि आप कब पास आउट होने वाले हो, ठीक है। उसके लिए तो अगर पकड़ लो कि अगर 19 का स्टूडेंट है, 20 का स्टूडेंट है, 22 समथिंग डाल दो ना, इट्स बेटर कि ऐड जुलाई, इसके बाद ऐड कर दो 2022 समथिंग ऐड कर देना, ठीक है। एरिया ऑफ स्टडी आप डाल देना, डेटा इंजीनियरिंग, ओके, और प्लान फॉर यूज फॉर स्टडी, ठीक है, सिंपल में लिख दो, इतना ज़्यादा कुछ नहीं, नेक्स्ट कर देना। अब नेक्स्ट करने के बाद या वी ग्लैड योर इट्स लुक लाइक यू हैव ऑलरेडी रिडीम्ड और अटेम्प्टेड टू रिडीम दिस ऑफर, ओके, ठीक है। अब क्यों नहीं ले रहा है वो, बिकॉज मैंने पहले ही अप्लाई करके रखा है, तो स्वप्निल क्विटी नहीं चलेगा उसमें। तो यहाँ पर डाल देंगे इलीगल नेम, सॉरी मीन्स दूसरा कुछ नेम ऐड करके देखते हैं, जैसे स्वप्निल सार्वे, ठीक है। आपका मेल आईडी अभी मैं जस्ट आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 477, नेक्स्ट, ठीक है। अब ये पेज इंपॉर्टेंट है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंटेशन में क्या है इंपॉर्टेंट, योर डॉक्यूमेंट मस्ट बी डिस्प्ले द फॉलोइंग, योर फुल नेम, करेक्ट, योर स्कूल नेम और योर जो आपका कॉलेज रहेगा उसका नेम प्रॉपरली दिखना चाहिए, बिकॉज हमने पहले ही ऐड करके रखा है इसके पहले के पेज में। डेट प्रूविंग एनरोलमेंट फॉर करंट टर्म और विद इन अ लास्ट 3 मंथ, सो लास्ट 3 मंथ का तक वो वैलिड रहेगा। अगर उससे पुरानी कुछ आपके पास आईडी और जो आपने पे किया है कॉलेज को उसकी स्लिप वगैरह होगी तो वो वैलिड नहीं रहेगी, तो ठीक है। तो ये प्रॉपरली ये जस्ट पॉइंट आप रिमेंबर रखना, और एग्जांपल चलेगा कि स्कूल की आईडी चलेगी और क्लास का स्केड्यूल चलेगा, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। ट्यूशन रिसिप्ट करके रहते हैं, अपने पास रिसिप्ट तो रहती है इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो आप, तो रिसिप्ट ऐड कर सकते हो, जस्ट आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ब्राउज करके आपको अपलोड करना है। तो रिसिप्ट का मैं स्ट्रक्चर और ये शेयर आईडी वो वेरीफाई करता है, और 10 मिनट में ही आपकी वो एक्ट, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनको लगा कि ये प्रॉपरली है तो वो 10 मिनट में आपको आईडी सेंड कर देगा। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो मेरा फोल्डर है डॉक अल्टरिक्स, जुगाड़ फॉर अल्टरिक्स करके, ठीक है। अब मैंने ये थोड़ा पोर्शन ब्लर रहेगा, ओके। तो जैसे आप यहाँ पे अगर टॉप पे देखोगे तो ब्लर है, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपके कॉलेज का नेम रहेगा, ठीक है। अब आई डोंट नो कि आपके कॉलेज की फ़ीस का और ट्यूशन फ़ीस की रिसिप्ट कैसे रहेगी, बट ऑलमोस्ट वहाँ पे नेम तो रहता ही है, ठीक है। नेम रहेगा, नीचे ये थोड़ा ये रहेगा, और नीचे उनकी सिग्नेचर वगैरह का कुछ ही रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने बेसिक मेरा मैंने जो अपलोड किया था वो दिखा रहा हूँ मैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे नीचे कितना पैसा पे वगैरह किया है वो टाइप, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी रिमेंबर रखना और नेम रिमेंबर रखना। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो उसका एक तो नेम आपको अगर थोड़ा पेंट थोड़ा बहुत आपको आता है तो आप थोड़े बहुत उसमें चेंजेस कर सकते हो, जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़, नॉट इलीगल पर्पज़, ये सब कुछ स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज हम स्टूडेंट लोगों को थोड़े जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे जस्ट नेम का याद रखना प्रॉपरली, पेंट में जुगाड़, स्टूडेंट आईडी का, और डेट मैंने बोला था कि 3 महीने से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग डेट एडजस्ट कर देना और सेव करके अपलोड कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी अपलोड के टाइप्स है, JPG, JPEG, PNG, PDF, तो इस कौन से भी एक फॉर्मेट में सेव करके आप अपलोड कर दो,
तो आपको जो Alteryx का जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी स्टेप है, अगर ये वीडियो आप प्रॉपरली देखोगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा और आप एज अ स्टूडेंट Alteryx सीख सकते हो और 1 ईयर के लिए आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो और इसमें भी आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, और बस दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो और उसमें कमेंट में कुछ आपका जो भी है सजेशंस और कुछ ऐड कर दो, तो मैं ऐसा भी देखता हूँ कमेंट्स। ओके सो या थैंक यू सो मच।